हेलो फ्रेंड्स, आज जिस मेडिसिन के बारे में हम आपको बताएंगे वह मेडिसिन हिरण की कस्तूरी से तैयार की जाने वाली यानी हिरण की नाभि से तैयार की जाने वाली दवाई है। इसके लक्षणों के बारे में हम आपको बताते हैं। ये दवाई सबसे पहले परेशानी जिनको हिस्टीरिया रोग हो, ये अधिकतर युवा लड़कियां व महिलाओं में देखने में आता है। इस रोग की पेशेंट बहुत ही भावुक होती है, बहुत ही नाजुक स्वभाव की होती है, रुग्ण स्वभाव होता है। जरा से में वो रोने लगती है और जरा से में ही अचानक उसमें पागलपन सा सवार हो जाता है। थोड़ी देर बाद ही वो जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगती है। इसमें रोगी के लक्षण पेट में वायु का गोला इकट्ठा होना, पेट में अफारा आना, अंदर ही अंदर पेट में कंपन जैसा महसूस होना, हिचकी आना, ठंड में इसका रोग बढ़ना पाया जाता है। इसके पेशेंट को गले में गोले जैसी कोई चीज़ ऊपर की ओर चढ़ती हुई सीन महसूस होती है। ऐसे लगता है कि पेट में से कोई वायु का गोला मेरे गले की तरफ बढ़ रहा है और गल नली में एक तरफ दबाव सा दर्द महसूस होने लगता है, घुटन महसूस होने लगती है, सांस रुकता सा महसूस होने लगता है इस पेशेंट का। साथ ही महिलाओं में ऋतुस्राव बहुत ही जल्दी जल्दी और परिणाम में बहुत अधिक मात्रा में होता है, या फिर जिनको अचानक से ऋतुस्राव होते होते अचानक बंद हो जाता है और फिर काफ़ी समय तक बंद रहता है, उनके लिए ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन मानी जाती है। इसके पेशेंट बहुत ही ज़्यादा भावुक होता है, रुग्ण स्वभाव का होता है, नाजुक मिजाज होता है। इसका मरीज जरा सा यदि हिलने डुलने की भी कोशिश करे, यहाँ तक कि आंखें भी बंद कर ले, तो इस पेशेंट को बहुत जल्दी चक्कर आने लगते हैं। इस मेडिसिन का पेशेंट बैठकर भी आंखें बंद नहीं कर सकता, बैठे बैठे भी इसको चक्कर आने लगते हैं आंख बंद करने से। शरीर इसका बाहर से इसके शरीर को में ठंड लगती है और शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी तपन जैसी में मालूम होना इसका स्वभाव इस मेडिसिन का है। इसके पेशेंट को स्नायु की दुर्बलता की शिकायत होती है, हृदय इसका बहुत ज़्यादा कमज़ोर देखने में आता है, इस पेशेंट का कलेजा बहुत धड़कने लगता है, अंदर ही अंदर शरीर कांपता सा महसूस होता है इस पेशेंट का, तब ये दवाई बहुत अच्छा कार्य करती है। इसके रोगी को ऐसा लगता है कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, वो बच नहीं पाएगा, उसको इतना डर सताने लगता है, उसको लगता है कि मैं शायद ठीक नहीं हो पाऊँगा, इसलिए वो महसूस करने लगता है कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। जैसे ही इस बीमारी के पेशेंट डॉक्टर के पास जाते हैं, ज़्यादातर होम्योपैथिक डॉक्टर सबसे पहले हिस्टीरिया के रोग में होम्योपैथिक डॉक्टर भी इग्नेशिया सबसे पहले यूज करते हैं, क्योंकि इग्नेशिया हिस्टीरिया की सबसे पहली दवाई मानी जाती है। वास्तव में हिस्टीरिया की इग्नेशिया स्पेसिफिक दवाई है। जिस भी पेशेंट को हिस्टीरिया की शिकायत होती है, कोई भी डॉक्टर सबसे पहले, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादातर डॉक्टर इग्नेशिया ही देते हैं। परंतु कई बार लक्षण जब इग्नेशिया से पूरी तरह मैच नहीं करते, तब डॉक्टर लक्षण के अनुसार मास्कस, नक्स मास्केटा, वेलेरियाना आदि दवाइयां आजमाने लगते हैं। फ्रेंड्स, इग्नेशिया की तरफ सबसे पहले ध्यान इसलिए जाता है क्योंकि ये सबसे पहली मेडिसिन किसी भी पेशेंट को हिस्टीरिया किसी भी उम्र में हो
महिला को हो लड़कियों को हो, तो सबसे पहले इग्नेशिया ही दवाई पर ध्यान जाता है डॉक्टर का, क्योंकि इग्नेशिया के सिम्टम्स जो हैं वो करीब करीब सभी दवाइयों से सभी पेशेंट से मैच कर जाते हैं, लेकिन मॉस्कस का तब ज़्यादा यूज होता है जब पेशेंट की को इग्नेशिया हमारा से आराम नहीं लगता। मॉस्कस यही दवाई है जो हिरण की नाभि से बनती है, इस मेडिसिन का नाम ही मॉस्कस है। इसके लक्षण एकाएक विशेष ये होते हैं कि जैसे इसको चेस्ट में यानी वक्ष स्थल जिसे कहते हैं उसमें ऐंठन जैसा दर्द होने लगता है, गले में जैसे इसकी गले की नली छोटी पड़ गई हो ऐसा इस पेशेंट को महसूस होता है, सांस लेने में इस पेशेंट को बहुत कठिनाई होती है, सांस बंद सी लगने लगती है इस पेशेंट को, या रुक रुक कर सांस आने लगती है, कलेजा बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है, पेशेंट चिल्ला कर एकदम से बेहोश हो जाती है इसकी। इसके पेशेंट की एक और विशेषता है कि इसका पेशेंट जैसे रुग्ण स्वभाव का होता है इसी तरह से इसका पेशेंट कभी रोने जैसा मन बना लेता है और कभी अपने आप ही अचानक खिलखिला कर हंसने लगता है, मतलब एक पागलपन सा इसके पेशेंट को आने लगता है। तब आप समझ लीजिए कि आपको पेशेंट को मॉस्कस देना बहुत ज़रूरी है। इग्नेशिया की और इसके में अंतर यह है कि इग्नेशिया के पेशेंट को जब सिर में दर्द होता है तो पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण सिर में दर्द होता है और हमारे दोनों आँखों की साइड में यानी हमारी कनपट्टी के पास ऊपर कान के और आँखों के बीच में के हिस्से में दोनों साइड बहुत ही भयंकर दर्द होता है सिर में, और सिर में दर्द ऐसा लगता है जैसे कोई किसी चीज़ से उसको दबाया जा रहा है, पेशेंट को नींद नहीं आती, कई कई रात हो जाते हैं इग्नेशिया के पेशेंट को रात पूरी पूरी रात सो नहीं पाता, तब इग्नेशिया कार्य करती है, अदरवाइज आप मॉस्कस दे तो पेशेंट को बहुत जल्दी आराम हो जाता है, होना शुरू हो जाता है। मॉस्कस के पेशेंट की एक और दिक्कत सबसे ज़्यादा होती है कि इसके पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, प्यास इसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा लगती है और इसके पेशेंट को बहुमूत्रता की भी शिकायत होती है यानी डायबिटीज की भी शिकायत अक्सर देखने में आती है मॉस्कस के पेशेंट। तो फ्रेंड्स, ये थी हिरण की कस्तूरी से हिरण की नाभि से तैयार मॉस्कस मेडिसिन। इसके एक और विशेष सिम्टम्स हैं, ये मेंस के लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, जेंट्स जिनको इम्पोटेंसी की शिकायत हो जाती है, नामर्दी की शिकायत बन हो जाती है, उनको के लिए भी ये बहुत ही उत्तम मेडिसिन है, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस इस मेडिसिन के हैं मेंस के लिए भी। तो फ्रेंड्स, मैं किसी भी वीडियो में अपने किसी भी पेशेंट के लिए खासकर जो पेशेंट इम्पोर्टेंस या किसी भी इस टाइप के कोई पेशेंट होते हैं उनके लिए मैं सलाह देता हूं कि या तो आप कमेंट करके हमारे से जानकारी ले सकते हैं अपनी पूरी स्थिति बताने के बाद, हम आपको मेडिसिन चूज करके बताते हैं, बेस्ट मेडिसिन देंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी मेडिसिन इम्पोर्टेंसी के लिए। लेकिन हम मेरा आपने जितने भी आज तक वीडियो देखे होंगे मैं इसमें रूल जुलूल टाइप की कोई भी मेडिसिन नहीं डालता, ना ही मेरे किसी वर्ड्स में ऐसा ज़्यादा महसूस आपने किया होगा क्योंकि मैं कोई भी ऐसा वाक्य अपनी वीडियो के में के माध्यम से बोलूं, ताकि कोई भी पेशेंट अपने घर परिवार में बैठकर वीडियो देखने में हिचकिचाए। मेरी वीडियो जो भी लोग देखते हैं, जितने भी हमारे व्यूज़ देखते हैं, पूरा परिवार एक साथ बैठकर हमारी वीडियो देख सकता है, आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी और बहुत ही अच्छी नॉलेज के साथ साथ आपको मेडिसिन का भी जो भी आपको दिक्कत हो उसको बहुत अच्छी तरह से समझाने का हम प्रयास करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बी हैप्पी एंड बी हेल्दी।